सचिन गुप्ता, फिल्म का राइटर डायरेक्टर, पाखी फिल्म का। हमारी फिल्म 10 अगस्त को रिलीज़ हो रही है इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड। और हमारी जो फिल्म है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर बेस्ड है। इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। इस फिल्म के थ्रू हम कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे जो अर्थक्वेक विक्टिम्स होते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि किस तरह से जो ये विक्टिम्स होते हैं उनको वहीं से ट्रैफिक, वहीं से लाइक डिफरेंट कंट्रीज में भेज दिया जाता है यंग गर्ल्स को। सो कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं पाकी के थ्रू। इट्स अबाउट अ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल हु इज़ गेटिंग मैरिड टू अ 60 ईयर्स ओल्ड गाय। कहानी में एक 10 साल की लड़की है जिसकी शादी हो रही है एक 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन के साथ में, और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पाखी के थ्रू दिखा रहे हैं, कैसे ये बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। और यंग गर्ल्स को, जो 7 साल की या 8 साल की यंग गर्ल्स हैं, उनको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं टू गेन अर्ली प्यूबर्टी और प्रोस्टिट्यूशन में लाने के लिए। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो हम पाखी के थ्रू उठा रहे हैं। मेरे साथ में सुमित कॉल हैं जो पाखी में वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर हैं, बाली। सुमित कांत कॉल SUMEET कांत कॉल, जो एक डार्क एलिमेंट्स कह लें पाखी में एक सेंट्रल कैरेक्टर, तो यही है जो सबसे आपको पावरफुल नज़र आए वो आपको सुमित कॉल ही है। विलन कह सकते हैं या सेंट्रल कैरेक्टर भी कह सकते हैं। एंड मेरे साथ में अनमोल गोस्वामी हैं, अगेन वन ऑफ द लीड कैरेक्टर। ही इज़ अगेन लाइक वी हैव स्टोरीज अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर, तो इज दैट ब्रदर मालिक जो अर्थ को एक विक्टिम है और किस तरह से उनको फंसा दिया जाता है। उनकी यंग सिस्टर है 10 ईयर्स ओल्ड पीहू, जो फंस जाते हैं इस रैकेट के अंदर। एंड देन वी हैव अनामिका एज पाखी, सो अनामिका पाखी का कैरेक्टर कर रही हैं, लीड कैरेक्टर पाखी का। आप कुछ अब हमारी, मेरी थिएटर कंपनी भी है, तो कहीं ना कहीं जो मैं प्लेस करता आया हूँ, जो मेरी जर्नी रही है प्लेस के नाटक के अंदर, जो मैं नाटकों में दिखाता आया हूँ, कहीं ना कहीं वो जो एक मेरी इमोशनल जर्नी रही, जो मेरी एक जर्नी रही, तो वही उसी का कड़ी कह लें, उसी का एक पार्ट है, उसी का प्रोसेस में पाखी बनी। एक सब्जेक्ट था मेरे माइंड में कि हाँ इसके ऊपर क्या हम कुछ दिखा सकते हैं, और फिर हमारी टीम को एक टीम बनाई गई जो एक प्रॉपरली रिसर्च करे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप बिना रिसर्च के नहीं ला सकते, क्योंकि ये फिक्शन नहीं है। और वैसे भी हमारी और भी जो फिल्में होती हैं, जैसे हमारी पहली, मेरी पहली फिल्म थी पराठे वाली गली, वो भी एक थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो कोशिश थी कि उस स्टोरी के अंदर भी हमने उसी रिसर्च के साथ में जैसे हमने पाखी में किया है, तो पहले पूरा रिसर्च हुआ, हमारी टीम मुंबई में जो कमातीपुरा है, जो रेड लाइट एरिया है, वहाँ होकर आई, वहाँ पर लोगों से मिली, वहाँ काफ़ी रिसर्च किया। कुछ मैं, मुझे इनफैक्ट तारीफ़ करनी चाहिए अपनी टीम की, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा हुआ कि लिटरली बस बच गए वहाँ से, आ गए, क्योंकि एक बार तो वहाँ थोड़ा शक हो गया था लोगों को कि ये किसी और काम से आए हैं, बट किसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए वहाँ से। दिल्ली के अंदर भी हम, हमारी टीम जो रेड लाइट एरिया है नॉवल्टी सिनेमा के पास में, वहाँ इनफैक्ट हमारा जो शूट हुआ है दिल्ली में, वो नॉवल्टी सिनेमा के पास में जो 150 साल पुरानी जगह है, वहीं पर हुआ है पाखी का शूट। काफ़ी शूट हमने दिल्ली में किया और फिर उसके बाद में मुंबई में हमने शूट किया। नहीं, हमने स्टोरी में अर्थ को एक विक्टिम्स के ऊपर है, लेकिन हमने ये नहीं दिखाया कि वो नेपाल है या कौन सी कंट्री, क्योंकि ये हर जगह हो रहा है, ये सिर्फ नेपाल से ही केंद्रित नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। आप और भी कंट्रीज में जाएंगे तो, या स्टेट्स में जाएंगे, वहाँ पर भी इसी तरह से जो विक्टिम्स होते हैं, असम में जाइए, गुजरात में जाइए, या जहाँ भी जो वीक, जो ये विक्टिम्स किस तरह से उनको बहला फुसला के इधर उधर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो कहानी में पाखी है, पाखी का जो कैरेक्टर, जो किरदार निभा रही हैं नामिका शुक्ला, उनकी स्टोरी भी वही है कि वो एक छोटे टाउन से कैसे उनका एक दोस्त उनको ले आता है और वहाँ पर वो फंस जाती हैं और वो पाखी से सुहानी बन जाती हैं। ये 105 मिनट की फिल्म है। सुहानी मतलब ओरिजिनली इनका नाम पाखी होता है, लेकिन बाद में इनका नाम सुहानी हो जाता है।
आई होप अर्चन नहीं आनी चाहिए, मिलने वाला है हमें सर्टिफिकेट, अभी मिला नहीं है बट होपफुली कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखिए कोशिश है कि इस सब्जेक्ट को बाहर भी लाया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे भी नहीं पता थे जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। जैसे जब मैंने बताया कि हार्मोनल इंजेक्शंस किस तरह से दिए जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी, तो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें बाहर आए। आई होप सेंसर हमें सपोर्ट करे इन सब जो हम दिखाना चाह रहे हैं। और जब आप कोई कहानी लिखते हैं या फिल्म लेकर आते हैं तो इंटेंशन ये नहीं होती कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो, तो कोशिश है कि एक अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म बनाई गई है, फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सके पूरी फिल्म, उसी तरह से शूट किया गया है, वो उसी तरह का ट्रीटमेंट है। देखिए जब आप कुछ बनाते हैं तो आप अगर डर के बनाएंगे तो फिर तो वो कुछ बन ही नहीं पाएगा। मेरी कहानी ही अगर 105 मिनट की है तो मैं उसको नहीं बढ़ाना चाहता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंसर काटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ध्यान रख के शूट किया गया है, एक्टर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि किस तरह से, और कहीं ना कहीं हम एक डिलीवरेट एफर्ट भी है कि जो मेन सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखा जाए बजाय टेटलाइज करने के, या फिर बजाय हम कंट्रोवर्सी उठाएं। कंट्रोवर्सी नहीं उठानी है, सिर्फ हाईलाइट करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है। एक्चुअली इट्स अ वेरी इमोशनल कैरेक्टर आई वुड से, क्योंकि इसकी मैंने रिसर्च भी की सर ने, जैसा कि हम लोगों ने बहुत रिसर्च की, तो आई वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ हिज रिसर्च। मैंने भी ऑनलाइन बहुत सारे NGOs के वीडियोज़, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज और फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, एंड स्लोली स्लोली मैं खुद भी उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। और जब यह शूट किया पाकी, तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि रिसर्च में मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी इन सब कैरेक्टर्स के साथ में, दैट इट इज़ रियली पेनफुल व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। हम उतना शूट भी नहीं कर सकते जो चीज़ें हमें पता चली। सो बेसिकली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर क्या कहूँगी, जिनकी लाइफ होती है उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। हम तो सिर्फ एक कैरेक्टर कर रहे हैं, हमने शूट किया, ख़त्म किया, और हम उससे बाहर आ जाएंगे एक महीने मैक्स टू मैक्स, एक महीने दो महीने में। बट जो है उनका सोचो, इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ। मैं रहने वाली कानपुर की हूँ, कानपुर में रामा देवी के पास चकेरी स्टेशन है, वहाँ पर रहती हूँ। पापा मेरे एयरपोर्ट में थे, सो वी केम हियर। ये मेरी पहली मूवी है जो रिलीज़ होने जा रही है। उसके अलावा मैंने सर की मनसुख चतुर्वेदी की आत्मकथा फिल्म की है, और मनसुख चतुर्वेदी की आत्मकथा सर की फिल्म है, कॉमेडी है। पहले वो शूट हुई थी एक्चुअली, उसके बाद हाँ वो इसके बाद आएगी। और अभी ये पाखी की है मैंने जो रिलीज़ होने जा रही है। उसके अलावा जो अभी मेरे साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें गालिब का शूट पूरा हो चुका है, वो 19 में आएगी। और थिएटर में सर के साथ मैं थिएटर भी करती हूँ, नहीं दिल्ली में, बॉम्बे में, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो बॉम्बे में मैंने सर के साथ थिएटर किया। और